देख सकते हैं अब रास्ता काफी खतरनाक है, बस जूतों का तो काम हो चुका है, बस हमारा काम ना हो जाए कभी कपड़े भी गीले हो जाए। वाओ तो गाइस देखिए यहाँ पे आ चुके हम, लेकिन हमसे बड़ा कोई बेवकूफ दुनिया में नहीं हो सकता। दोनों चप्पल भी लाए थे हम, फिर भी जूतों में आ गए, दोनों के जूते भीग चुके हैं बहुत बुरी तरह। आप देख रहे थे अभी हम वहाँ चल के गए थे, इतना पानी आ गया भाई लोग तो जूतों में बाढ़ आ चुकी है इस टाइम, तो जूते उतारने पड़ेंगे, हम चप्पलों में जाएंगे। वो हेलो फ्रेंड्स, एम एचपी हर्षित और आप देख रहे हैं एचपी व्लॉग्स। तो कैसे हैं बाल लोग? तो गाइस मैं आपको टाइम बता देता हूँ, तो टाइम हो रहा है सुबह के 3:22 को। ये बैठी मम्मी और दीप, तो सकते हैं गाइस देखिए मेरा बैग वैग पैक हो चुका है और हेलमेट वगैरह सब कुछ रखा है। तो हम चल रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो रास्ते में बता दो मैं आपको कौन मेरे साथ चल रहा है और कहाँ पे चलेंगे। चलिए तो पहले घर से निकलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 3:31, तो चलते हैं और मैं बताता हूँ कौन चल रहा है मेरे साथ। मेरी मम्मी, ओके मम्मी बाय, और दीप्ति, चलो बाय। तो गाइस अभी बस पता ही लगने वाला है आपको कि मेरे साथ कौन चल रहा है। तो ये डॉगी, गुड मॉर्निंग डॉगी। तो आई थिंक इन्हें भी हमारे साथ चलना है। तो ये अपना तो एंटी रेस्ते, जय श्री राम, जय बोले बाबा की। तो गाइस आपको पता लग चुका है कि मेरे साथ चल रहा है अतुल। तो अतुल और मैं चल रहे हैं और थोड़ा सस्पेंस खेलते हैं कि चल पहाड़ों पे ही रहे हैं, तो पता ही लग जाएगा आपको रास्ते पे कि कहाँ पे चल रहे हैं। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा आज का डिस्टेंस रहेगा, आज हमें 280 किलोमीटर कवर करना है। तो गाइज ये आ चुका है अपना पहला टोल, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। तो देखिए गाइज टाइम हो रहा है 3:30 और 3:30 बजे के करीब भी, कितनी तगड़ी भीड़ है टोल पे। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से रुड़की बचा है 92। तो गाइज फ्यूल ब्रेक भी ले लेते हैं, फुल कर दो भैया। बच्चे तो गाइज देख सकते हैं 1029 का है, और तो ज़्यादा आ गया पर रिजर्व लग रही थी। तो देख सकते हैं गाइज की 10.59 लीटर पेट्रोल आया है और 97 चल रहा है यहाँ पे पर लीटर। तो चलते हैं। तो गाइज मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी अंधेरा हो रहा है तो आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा ज़्यादा। तो मिलते हैं सुबह होते ही, सूर्य देवता के दर्शन होते ही मैं आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ। चलिए तो मिलते हैं सीधा सुबह। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:00 और तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, देखिए सूर्य देवता सामने से निकल चुके हैं। तो गाइस देखिए अभी तक हम चले 120 किलोमीटर, गाइस हमने 2.5 घंटे में कवर किया है 120 किलोमीटर। और तो अब हम थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, यहाँ चने वगैरह खाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा औसम हो रहा है। और कैसा रहा बाइक का सफर? भाई मजा आ गया पूरा। तो अभी बिल्कुल हम दोनों ठीक है, बिल्कुल कहीं भी दर्द वगैरह नहीं है, तो आराम से खींच देंगे। अभी तो हमारा कम से कम 150 किलोमीटर और है आगे जाना है जहाँ पे हमें। तो गाइस जहाँ पे अभी हम रेस्ट ले रहे थे देखे वहाँ पे 120 चली हुई थी, अब 143 चल चुके हैं हम, तो मतलब 23 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। और यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मसूरी। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि मसूरी से भी वैसे बहुत आगे जाने वाले हैं हम, तो अभी तो वैसे आज हम मसूरी ही जाने की सोच रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ से अब मसूरी बचा है 63 किलोमीटर। और रोड देख सकते हैं आप कितनी प्यारी रोड है और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी।
और गाइस टाइम हो चुका है 6:30। वाओ कितनी प्यारी रोड है, देखिए ऐसे जा रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पहाड़ पे चढ़ना हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका है हमारा, सामने पहाड़ भी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि सब सोच रहे हैं चेकिंग वगैरह चल रही है उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड आने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें भी रोक लिया था। और देखिए पहले कितना प्यारा व्यू है, वाह। तो अभी तो ये शुरुआत है व्यू की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं चेकिंग का बता रहा था आपको, तो हमें रुड़की से 16 किलोमीटर वहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पे सबको सबकी कार वगैरह रोक ली थी और सारी बाइक्स वगैरह, तो हमारी RT-PCR चेक करी गई है और हमारा ई पास देखा था उन्होंने, फिर हमें जाने दिया। तो आप भी अगर आना चाहो तो ज़रूर कोविड टेस्ट ज़रूर करवाओ और ई पास भी बना लेना। और देख सकते हैं आप, एक तो मौसम इतना प्यारा है भाई साहब, बिल्कुल ठंडक है और ऊपर से ग्रीनरी ग्रीनरी, और पहाड़ भी दिखना स्टार्ट हो चुके हैं साइड में। देखें यहाँ से मसूरी बचा है 54, देहरादून 22। देख सकते हैं गाइस कैसे रास्ते आ रहे हैं, इतनी ठंडक है ना यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है टेम्परेचर 12-13 ही होगा बस यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए ये कैसे कैसे ड्राइवर रहते हैं आते, तो लाल परी का भी असली इम्तिहान स्टार्ट हो चुका है क्योंकि चढ़ाई तगड़ी स्टार्ट है इस टाइम। वो देख सकते हैं आप व्यू, तो भाई साहब बता ही नहीं सकता मैं कितने प्यारे हैं। और ये देखिए पुल, तो अभी इस साइड के सब लोग रुके हुए थे क्योंकि एक बार में एक ही आ सकती है इससे। गाइस टाइम हो चुका है 6:50, तो 7 बजने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया था फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, तो वो फोटो देखने के लिए इंस्टा पे फॉलो कर लेना। तो देखिए हम दोनों की यूजर आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी, तो फॉलो कर ले फोटोज देखने के लिए। देखिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए रुके, कितना सुंदर रास्ता है। और ये खड़ी है अपनी लाल परी, और देख सकते हैं आप साइड में से नदी जा रही है, तो वहाँ पे हमें फ्रेश वाटर दिख रहा है जाता हुआ। और सामने भी देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल, अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ पे। ये तो चलते हैं फिर आगे। Thank you.
गाइस टाइम हो चुका है 7:26 और हम आ चुके हैं देहरादून। अब घंटाघर के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ से मसूरी बचा है 34 किलोमीटर। तो पहले तो हम मसूरी ही पहुंचेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये सही है, हम ठंडक ठंडक में आ गए, अभी तो 7:30 ही हुए हैं। तो पूरे 2 साल बाद आया हूँ मैं मसूरी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेमोरीज ताज़ा हो रही है। तो देखिए गाइस फाइनली आ चुके हैं हम देहरादून का घंटाघर। तो यहीं पे घूमते रहते थे हम 2 साल पहले, MV आया था मेरे साथ उस टाइम, मयंक वासिष्ठ। और जब हम बस से आए थे तो हम फिर जब मसूरी भी बस से गए थे, पहले हमें बस स्टैंड जाना पड़ा था पीछे जहाँ से भी हम आ रहे हैं, काफ़ी दूर था, फिर बस इधर से ही लेके जाती है। तो यहाँ से मसूरी है 32 और कैंपटी फॉल है यहाँ से 46। तो देख सकते हैं देहरादून की गलियों में सुबह सुबह घूम रहे हैं लाल परी के साथ मैं और अतुल। तो गाइस मैंने ग्लव्स भी दोनों उतार दिए हैं क्योंकि गर्मी लग रही थी और उतारने के बाद तो मौसम है ही सुहाना। और इनसे बहुत यादें जुड़ी हैं, विक्रम से, तो इनमें घूमते थे हम, क्योंकि जो हमारा होटल था वो काफ़ी दूर था मेन बाज़ार से, तो हमें बाज़ार में आने के लिए भी विक्रम करने पड़ते थे, फिर हम यहीं पे घंटाघर के पास आ जाते थे, यहाँ पे खाते पीते थे। हम यहाँ पे 2 दिन स्टे किया था हमने। तो गाइस थोड़ी देर में हम सिटी से बाहर निकल जाएंगे, फिर से पहाड़ आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी सुंदर व्यू आने वाला है फिर से। यहाँ भी बहुत सुंदर व्यू है, ऐसे देखिए कितनी अच्छी रोड बनी हुई है पूरी, तो हमें मसूरी तक ऐसी रोड मिलने वाली है। तो गाइस देखिए यहाँ से मसूरी बचा है 18 किलोमीटर और देखिए साइड के व्यू कितने प्यारे हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप कितनी तगड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी हम लाल परी के साथ। चलिए तो अब चलते हैं सीधा मसूरी, उससे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको सामने का व्यू। ये रहा अपना अतुल। चलो भाइयों। तो देखिए गाइस यहाँ अभी हमने कैंपटी फॉल डाल लिया है, तो कैंपटी फॉल दिखा रहा है यहाँ से 34 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा। और टाइम बता देता हूँ मैं आपको, टाइम हो चुका है 7:58, तो 8 बज चुके हैं। हम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, जहाँ भी मतलब अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं, देखिए अभी ये दिखाया जैसे कि, तो वहीं पर हम रुक के फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। और देखिए ये कितनी खतरनाक, और ये पानी आ रहा है ऊपर से बहुत। देखिए गाइस आगे भी कितने प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं, वाव देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तो गाइस देख सकते हैं आप ट्रक भी कैसे आते रहते हैं फुल स्पीड में। तो पहाड़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वाइट लाइन होती है बीच की, तो उसके आप दूसरी साइड मत जाओ। और लाल परी भी मज़े ले रही है वादियों के। और गाइस ये पता नहीं कि ऊपर बारिश वारिश आई थी या क्या, पानी आ रहा है बहुत, सड़क भी सारी गीली पड़ी है, या तो यहाँ भी बारिश आई हो, पर मौसम एक नंबर, बता नहीं सकता मैं आपको। देख सकते हैं ब्यूटी 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 वाड़ा ब्यूटी। अब देखिए रुकने का मन तो हमारा यहाँ पे भी है, पर चलिए कोई नहीं, आते हुए देखेंगे, अभी जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि हमें मसूरी से भी बहुत दूर जाना है, 2-3 घंटे लग जाएंगे हमें और आगे जाने में। वाओ देखिए ऊपर बादल भी दिख रहे हैं, आई थिंक एक्शन कैम में क्लियर नहीं हो रहे होंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं बादल इतने पास हैं। अभी एक चीज़ दिखी है, मुझे रुकना ही पड़ेगा हमें। देख सकते हैं कितनी ब्यूटी, कैसे पानी आ रहा है ऊपर से, रुक जाओ मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ।
गाइस देखे यहाँ पे मैं कैमरा लेने आया था वो रहा, तो चले तो हम भी ऊपर चलते हैं। देख सकते हैं अब रास्ता काफी खतरनाक है, बस जूते तो जूतों का तो काम हो चुका है, बस हमारा काम ना हो जाए कभी कपड़े भी गीले हो जाए। वाओ इतना तो नहीं है। गाइस देखे यहाँ पे आ चुके हैं हम, लेकिन हमसे बड़ा कोई बेवकूफ दुनिया में नहीं हो सकता। वैसे बेवकूफ क्या, हमारा मन नहीं कर रहा था, मतलब हल्का सा आ रहा था, तो हम दोनों चप्पल भी लाए थे, हम फिर भी जूतों में आ गए। दोनों के जूते भीग चुके हैं बहुत बुरी तरह, आप देख रहे थे अभी हम वहां चल के गए थे। तो और दिखाता हूँ आगे के नजारे, और ऊपर से बूंद गिर रही है, इतना पानी आ गया भाई लोग तो जूतों में बाढ़ आ चुकी है इस टाइम, तो जूते उतारने पड़ेंगे, हम चप्पलों में जाएंगे ऊपर। अब देखते हैं आपको ऊपर का नजारा दिखाएंगे। देखिए हम इतने ऊपर आ चुके हैं, और देखिए हमारी बाइक कहाँ पे खड़ी है, वो ही बाइक आपको दिख रही होगी, तो चलते हैं नीचे। देखे हम दोनों ने जूते उतार के इसमें रख दिया, पॉलिथीन में डाल के, तो चप्पलों में आ चुके हैं हम दोनों। तो मतलब इतना ब्यूटीफुल नजारा देख के हमसे 5 मिनट का इंतजार नहीं हुआ। अगर 5 मिनट का इंतजार हम कर सकते थे, तो यहाँ पे बाइक लगा के हमें जूते उतार के चप्पल पहन के फिर जाना चाहिए था, पर हम जूतों में चले गए एकदम। देखिए गाइस ये रे बादल, और देखिए साइड जाम लग रहा है, तो बाइक के बहुत फायदे हैं, निकाल लो आराम से। और टाइम हो चुका है 8:50। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, तो रास्ता रोक रखा था, अभी खुला है, बहुत तगड़ा जाम लग चुका है। और देखिए यहाँ पे आपको बादल दिख रहे होंगे, बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं इस टाइम हम, सारे बादल हैं नीचे तक। और अभी तो हमें 10-15 किलोमीटर और ऊपर जाना है मसूरी के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं मसूरी, 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और अभी पीछे इतना ज्यादा ट्रैफिक था, तो अभी मैंने कैमरा ऑन किया है, वो देख सकते हैं आपको हल्का हल्का ये धुंध सी दिख रही होगी, तो धुंध नहीं है, बादल हैं सारे, और बूंदे भी आ रही हैं। और अभी मैंने मम्मी से बात की है कि आज मेरठ में तो बहुत पूरी गर्मी है, और यहाँ पे तो मज़ा ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठंड आ गई। तो इस टाइम है हम 6000 फीट पे, अभी साइड में बोर्ड लग रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कितनी भीड़ लग रही है, कितनी सारी कारें खड़ी हैं, तो क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा है इस टाइम मसूरी का। हर जगह जा रहे हैं इस टाइम पब्लिक, क्योंकि सब घर पे पक चुके थे कोरोना में। तो देखिए ये हैं और बाइक के फायदे। देख सकते हैं आप कितना तगड़ा जाम है, और ये कुछ लैंडस्लाइड वगैरह कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, भीड़ इतनी है इसलिए रोक रखी है। और मैं बताता हूँ क्या है आगे, देखिए ये कार है बस,
लेके हमें भी रुकना पड़ेगा। देख सकते हैं बाइक पे होने के बाद भी रुकना पड़ रहा है हमें। तो चलो फाइनली थोड़ी सी जगह मिली, उस साइड की रुक चुकी हैं कारें। और ये आ गया है मसूरी का बस स्टैंड। और गाइज ये राइट साइड है माल रोड। तो गाइज देखिए माल रोड को अभी हम छोड़ रहे हैं, तो रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे रूम अगर मिला। वैसे तो क्राउड देख के लग रहा है रूम वगैरह कुछ नहीं मिलना। तो गाइज देखिए यहाँ से एमटी फॉल का रास्ता और उस साइड है माल रोड। बहुत पूरी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ से कैम्प्टी फॉल है 14 किलोमीटर। तो गाइज जब मैं 2 साल पहले आया था मैं इनके साथ, तो हमने यहाँ से टैक्सी ली थी कैम्प्टी फॉल जाने के लिए, तो वो हमें पड़ी थी 600 रुपये में दोनों को। मतलब हमें 2 जने और मिल गए थे, तो हम 4 जने गए थे शेयरिंग में। वैन टाइप की थी वो, तो उसमें गए थे हम। तो मतलब टोटल उन्होंने 1200 लिए थे, तो 600 हमने दिए थे, 600 एक कपल था उन्होंने दिए थे। और अब हम चलते हैं लाल परी से। तो गाइज अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कैम्प्टी फॉल, और फिर उससे भी बहुत आगे जाना है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ओके बाय बाय। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको घूम के। और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बाय बाय।